नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। माफियाओं के खिलाफ मुहिम, खबर छिंदवाड़ा से, जहां छिंदवाड़ा प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई के तहत परासिया में सट्टा माफियाओं के चार मंजिला ज्वेलरी शोरूम को पुलिस, राजेश और नगरपालिका प्रशासन की टीम ने तोड़ा। पुलिस के अनुसार भवन मालिक लवकुश अग्रवाल के खिलाफ छिंदवाड़ा और जबलपुर में 22 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इस कार्रवाई का विरोध कर रहे परासिया और जोनादेव विधायक सहित कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की। मेन रोड के किनारे भवन तोड़ने के लिए नगर निगम छिंदवाड़ा आयुक्त, ASP, 5 SDM, 4 DSP, 7 तहसीलदार, 25 से अधिक पटवारी और कोयलांचल के सभी थाने के लगभग 200 से अधिक पुलिस बल, परासिया नगर पालिका के CMO सहित पूरा अमला परासिया पहुंच गया। कार्रवाई के लिए 2 दमकल वाहन, 2 JCB, 2 पोकलैन लगाई गई। कार्रवाई के दौरान परासिया छिंदवाड़ा रोड के वाहनों का नगर में प्रवेश रोक दिया गया। चांदा मेटा छिंदवाड़ा रोड के वाहनों को नगर के अतिरिक्त मांगों से डाइवर्ट किया गया। छिंदवाड़ा से आशीष मालवी की रिपोर्ट।